हेलो एवरीवन, साइंस में आज हम कवर करने जा रहे हैं वायरस वाला टॉपिक। वायरस एक बहुत रेलेवेंट टॉपिक है आज के टाइम में। कोरोना वायरस आप हर कोई सुनने को मिल रहा है, तो वायरस से रिलेटेड क्या मेन क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, और पहले के एग्जाम्स में कौन कौन से मेन क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आज इस वीडियो में हम वो सब क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। और वायरस से रिलेटेड मेन कॉन्सेप्ट्स क्या बनते हैं जो इजीली एक अच्छे आसान तरीके से आपको याद रहें चीज़ें, तो हमने कोशिश की है कि एक सिर्फ एक वीडियो में आपको वो सारी चीज़ें क्लियर करवा दें। तो वायरस से रिलेटेड अगर बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि वायरस शब्द किस भाषा से लिया गया है और उसका मीनिंग क्या होता है। तो वायरस एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मीनिंग होता है विनम यानी विष यानी जहर। दूसरा मेन क्वेश्चन जो वायरस से रिलेटेड बनेगा कि वो कौन से साइंटिस्ट थे जिसने सबसे पहले वायरस के बारे में खोज की, वायरस का पता किया, तो इवानोवस्की एक रशियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1892 में टोबैको मोजेक वायरस, तो इसे मोजेक वायरस के नाम से भी जाना जाता है, एम से बनता है मोजेक। तो मोजेक एक बीमारी है जो ज्यादातर फसलों में खासकर तंबाकू में लगती है, आलू में भी मोजेक बीमारी लगती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोजेक बीमारी किस कारण होती है, तो वायरस के कारण होने वाली बीमारी है। और टीएमवी से रिलेटेड एक चीज और आपने याद रखनी है कि दुनिया का सबसे पहला खोजा गया वायरस कौन सा था, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो टीएमवी दुनिया का सबसे पहला खोजा जाने वाला वायरस था जिसकी खोज एक रशियन साइंटिस्ट इवानोवस्की ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बनेगा कि वो कौन सा साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि विषाणु को हम क्रिस्टल के रूप में हजारों सालों तक जमा करके रख सकते हैं। तो स्टैनली एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले बताया था कि वायरस को क्रिस्टल के रूप में जमा किया जा सकता है, और इसी के आधार पर हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि जो एक निर्जीव कैटेगरी होती है उसमें हम विषाणु को रख सकते हैं। देखिए दो चीज़ें हैं यहाँ पे, विषाणु ना तो पूरी तरह से सजीव है ना पूरी तरह से निर्जीव है, वो इनके बीच की एक कड़ी मानी जाती है, सजीव और निर्जीव के बीच की एक कड़ी मानी जाती है। और निर्जीव मानने का एक आधार यही है कि हम उसको क्रिस्टल के रूप में जमा करके रख सकते हैं। तो स्टैनली वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहले बताया था, सबसे पहले बताया था कि विषाणु को क्रिस्टल के रूप में हम जमा कर सकते हैं। उसके बाद एक साइंटिस्ट का नाम और आता है एग्जाम में, पूछा जाता है कि वो कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने विषाणु को संक्रामक जीवित तरल कॉन्टेजियस लिविंग फ्लूइड का नाम दिया। तो बीजरिंक वो साइंटिस्ट थे, आपने ये चीज़ याद रखनी है कि बीजरिंक ने एक विषाणु को नया नाम दिया था, वो था कॉन्टेजियस लिविंग फ्लूइड यानी संक्रामक जीवित तरल का नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनेगा वो बनेगा साइज से रिलेटेड कि विषाणु का साइज कितना होता है। देखिए दुनिया का जो सबसे छोटा विषाणु है वो 20 नैनोमीटर से लेके, और जो सबसे बड़ा विषाणु है वो 400 नैनोमीटर तक हो सकता है। सबसे छोटा जो विषाणु है वो है पोर्साइन या पार्वो वायरस के नाम से जाना जाता है, जिसका साइज 18 से 25 नैनोमीटर तक माना जाता है। और जो सबसे बड़ा वायरस है वो पॉक्सी वायरस जो चेचक का वायरस होता है, उसका साइज 300 से लेके 400 नैनोमीटर तक हो सकता है। तो साइज से रिलेटेड जब भी बात आए, जब भी क्वेश्चन आए, तो ध्यान रखना है आपने कि 20 नैनोमीटर से लेके 400 नैनोमीटर तक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि दुनिया का सबसे सरलतम जीव कौन सा है जो लगभग हर जगह पाया जाता है। सबसे सरलतम जीव है प्लेगी बैक्टर यूबिक जो कि एक विषाणु है। ये आपने ध्यान रखना है कि सबसे सरलतम जीव पूछा जाता है, ऑप्शन में आपको दे देगा जीवाणु विषाणु कवक या प्रोटोजोआ, ऑप्शन में होंगे तो विषाणु पे टिक लगाना है, और विषाणु में भी प्लेगी बैक्टर यूबिक, आपने ये वर्ड याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि विषाणु को किस यंत्र की सहायता से देखा जाता है। जब हम स्टडी करते हैं किसी भी वायरस की या कोई भी टेस्ट करते हैं, जैसे अभी कोरोना की बात चल रही है, तो कोरोना जो टेस्ट किया जाता है वो किस चीज में देखा जाता है, उसका अध्ययन किस चीज में करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी वो यंत्र है, क्योंकि ये बहुत छोटा होता है। साइज ये देखिए 20 नैनोमीटर से लेके 400 नैनोमीटर तक का साइज है, और 1 नैनोमीटर होता है 10^-9 मीटर, तो इतना छोटा जीव है जो नॉर्मल सूक्ष्मदर्शी से हम उसको नहीं देख सकते हैं। तो विषाणु को देखने के लिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की हमें जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि विषाणु को निर्जीव क्यों माना जाता है। ऐसे दो मेन पॉइंट जिनके बेस पे हम एक विषाणु को निर्जीव मानते हैं, दो मेन पॉइंट है। पहला मेन पॉइंट है कि एसेलुलर होना, अकोशिकीय होना। देखिए दुनिया का कोई भी जीव है वो कोशिका उसके जीवन का आधार होता है। हमारे शरीर के अंदर लाखों करोड़ों कोशिकाएं होती हैं, तो विषाणु एक ऐसा जीव है जिसके अंदर कोई कोशिका नहीं होती, यह कोशिका के सिद्धांत को फॉलो नहीं करता। दूसरा आधार हमारा होता है कि
ना तो उसमें जीवद्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म होता है और ना उसमें एंजाइम पाए जाते हैं। तो ये दो चीजें जिसके बेस पे हम निर्जीव मानते हैं, पहला एकोशिकीय होना, नॉन सेलुलर होना या एसेलुलर होना, और दूसरा जीवद्रव्य या एंजाइम का नहीं होना जिसके बेस पे हम निर्जीव मानते हैं। दूसरा एक मेन पॉइंट और हम इसमें कंसीडर कर सकते हैं, अगर शरीर से बाहर है तो ये ग्रोथ नहीं कर सकता, अपने आप सर्वाइवल नहीं हो सकता, बिकॉज कोई कोशिका नहीं होती, जीव द्रव्य और एंजाइम नहीं होते, तो इसलिए हम निर्जीव मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम सजीव क्यों मानते हैं विषाणुओं को। देखिए, किसी भी जीवन का आधार होता है उसका न्यूक्लिक प्रोटीन, न्यूक्लिक प्रोटीन जिसमें उसका आनुवंशिक गुण पाए जाते हैं, डीएनए या आरएनए पाया जाता है। तो न्यूक्लिक प्रोटीन के आधार पर हम एक विषाणु को तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं, वह विषाणु जिसका न्यूक्लिक प्रोटीन आरएनए है, वह विषाणु जिसका न्यूक्लिक प्रोटीन आरएनए या डीएनए में से कोई भी एक चीज है। याद रखिए, दोनों पॉसिबल नहीं है कि आरएनए भी हो और डीएनए भी हो, इनमें से कोई भी एक चीज, और जिसका न्यूक्लिक प्रोटीन डीएनए हो। तो इस आधार पे हम विषाणु को तीन भागों में बांट सकते हैं। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरएनए किन विषाणुओं का न्यूक्लिक प्रोटीन आनुवंशिक पदार्थ माना जाता है। तो जितने भी प्लांट वायरस होते हैं, पादप वायरस जो पौधे के वायरस होते हैं, उनमें ज्यादातर का जो आनुवंशिक पदार्थ है वो आरएनए होता है। आरएनए या डीएनए में से कोई भी एक चीज, एनिमल वायरस जितने भी हैं उनका आनुवंशिक पदार्थ आरएनए या डीएनए में से एक होगा, कोई भी, ज्यादातर केसेस में आरएनए ही मिलता है उस केस में भी। और जिनका सिर्फ डीएनए पाया जाता है न्यूक्लिक प्रोटीन में, वो वायरस कौन से हैं, तो उनको हम नाम देते हैं बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज का मतलब होता है ऐसे विषाणु जो बैक्टीरिया यानी जीवाणुओं को खत्म कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जैसा कि एचआईवी वायरस भी आपका इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है, और T2 और T4 ये जो दो खासकर ऐसे विषाणु हैं जिनको हम बैक्टीरियोफेज की कैटेगरी में रखते हैं। इसी से रिलेटेड एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है जो बहुत कॉमन एग्जांपल है हमारी लाइफ से रिलेटेड, गंगा नदी का पानी जो इतने दिन तक सुरक्षित रहता है वो इसी के कारण होता है, बैक्टीरियोफेज T2 के कारण ही रहता है, माइक्रोफेज नामक जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें, तो वो उसके पानी को सुरक्षित रखते हैं। तो ये हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वायरस से रिलेटेड, विषाणुओं से रिलेटेड कुछ। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, कंप्लीट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सारी, हर चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई कौन कौन सी वो बीमारियां हैं जो हमें एक वायरस के कारण हो जाती हैं, किसी भी इंसान में वायरस के कारण कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। 12-13 मेन बीमारियां हैं जो आपने याद रखनी है, जो एग्जाम में पूछी जाती रही हैं, तो उनको याद रखने के लिए हमने एक सिंपल सी ट्रिक बनाई है। देखिए, आप इन 12 बीमारियों को रटने की कोशिश करेंगे तो आप नहीं नाम याद रख पाएंगे, तो इसको ईजी बनाने के लिए हमने एक ट्रिक बनाई है जो ईजिली आप याद रख सकते हैं। उस ट्रिक को कैसे याद रखेंगे कि सपोज करिए कोई भी दो SI हैं, SI, एक का नाम रामू है और एक का नाम है PDM यानी पुरुषोत्तम दास मिश्रा या कुछ भी और, ने जूनियर शेफ के साथ टेस्टी मील्स यानी खाना बनाया। कोरोना वायरस के कारण आजकल सब लॉकडाउन है, तो दो SI हैं, एक का नाम है रामू और एक का नाम है PDM पुरुषोत्तम दास मिश्रा। उन्होंने जूनियर शेफ के साथ मिलके टेस्टी मील्स बनाया, ये इजी ट्रिक है, आप याद रख सकते हैं इसे। ऐसे जो वर्ड बनेगा हमारा वो है स्मॉल पॉक्स यानी छोटी माता। छोटी माता किस वायरस के कारण होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो वेरियोला उस वायरस का नाम है जिसके कारण स्मॉल पॉक्स होता है। आई से जो वर्ड बनेगा वो है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा को कॉमन फ्लू भी कहा जाता है, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो किस वायरस के कारण होता है, तो इन्फ्लुएंजा के वायरस का नाम है ऑर्थोमिक्सो वायरस, ये आपने याद रखना है, इसे सर्दी जुकाम नॉर्मल लैंग्वेज में हम कहेंगे। RA से बनेगा रेबीज। रेबीज की खोज किसने की, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। रेबीज वो बीमारी होती है जो हमारे ज्यादातर जानवर जो होते हैं वो काट लेते हैं, उनके काटने से हमें जो बीमारी लग जाती है उस बीमारी का नाम रेबीज है। तो लुई पाश्चर ने रेबीज के वैक्सीन की खोज की, और इस बीमारी को हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है, आपने ये नाम भी याद रखना, हाइड्रोफोबिया किस बीमारी को कहा जाता है, तो इसका दूसरा नाम हाइड्रोफोबिया है।
देखिए हाइड्रो वर्ड जहां पे भी देखो उसका मतलब होता है वाटर या पानी, और फोबिया का मतलब होता है एक्सटेंसिव फियर, बहुत ज्यादा डर होना किसी चीज से। तो जिसे रेबीज होती है वो पानी से डरने लगता है वो इंसान, ये बहुत खतरनाक बीमारी है। अगर टाइम पे अगर रेबीज का इंजेक्शन ना लगाए हम, और इंजेक्शन की सिंपल प्रोसेस होती है, पहले 14 इंजेक्शन लगते थे, अब क्या होता है कि 24 घंटे में हमें पहला इंजेक्शन लगवाना है, उसके 3 दिन बाद फिर दूसरा इंजेक्शन लगवाना है, और फिर 1 हफ्ते बाद तीसरा इंजेक्शन लगवाना है। 3 इंजेक्शन सिर्फ लगते हैं, जहाँ पहले 14 इंजेक्शन लगते थे और काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस थी इसका ट्रीटमेंट का। तो इससे रिलेटेड 2 चीज़ें याद रखनी है कि रेबीज को हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। लुई पाश्चर, ये एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, इन्होंने रेबीज के वैक्सीन की खोज की थी 1885 में, और जो सबसे पहला इंजेक्शन था वो एक 9 साल के बच्चे को लगाया था जिसका नाम जोसेफ मिस्टर था। खैर ये आपका एग्जाम में नहीं पूछेगा। आपने 3 चीज़ें ये याद रखनी कि रेबीज को हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है, लुई पाश्चर ने खोज की थी 1885 में खोज की थी इसकी। एमयू से जो नेक्स्ट डिजीज बन रही है वो है हमारी मम्स, जिसे गलसुआ भी कहा जाता है। तो मम्स बीमारी कब होती है, तो ये लार ग्रंथियों में जब सूजन आ जाती है। देखिए हमारे बॉडी में 3 तरह की लार ग्रंथियां होती हैं। पहली लार ग्रंथि, जो सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है, वो उसे कहा जाता है पैरोटिड। सबसे बड़ी लार ग्रंथि जो होती है वो होती है पैरोटिड। दूसरी जो लार ग्रंथि होती है वो होती है सब मैक्सिला, सब मैक्सिला। और जो तीसरी लार ग्रंथि होती है वो होती है सब लिंगुअल। तीन तरह की लार ग्रंथि है, ये हमारे दोनों कानों के नीचे पाई जाती हैं, ये हमारी जबड़े में एक हड्डी होती है मैक्सिला हड्डी जबड़े में पाई जाती है, और सब लिंगुअल ये हमारी जीभ में। तो लार जो होती है खाली जीभ से नहीं निकलती, हमारे 3 ग्रंथियां होती हैं। तो पैरोटिड ग्रंथि जो सबसे बड़ी लार ग्रंथि है, इसमें सूजन जब आ जाती है तो ये मम्स, जिसे लोकल भाषा में हम कनपेड भी कहते हैं, स्वेलिंग आ जाती है इस एरिया में, तो ये बीमारी हो जाती है। ये भी एक वायरस के कारण होती है। नेक्स्ट है एड्स। एड्स की फुल फॉर्म काफी एग्जाम में पूछी जाती रही है, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, AIDS, ये वर्ड जो बना है इसकी फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और एड्स के वायरस का नाम है HIV। एड्स किस वायरस के कारण होता है, एड्स एक बीमारी है और ये बीमारी होती है HIV वायरस के कारण। और HIV वायरस की फुल फॉर्म भी एग्जाम में कई बार पूछी गई है, तो वो भी आपको पता होने चाहिए। HIV होता है H से ह्यूमन, I से इम्यूनोडेफिशिएंसी और V से वायरस। ये पॉइंट याद रखिएगा, 1986 में इस वायरस का नामकरण किया गया था, 1986 में। तो 2 साइंटिस्ट थे जिनका नाम, एक तो डॉक्टर गैलो, ये एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, और डॉक्टर मोंटेनर, ये 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने HIV की खोज की थी। तो ये आपने याद रखना है, 1986 में HIV वायरस खोजा गया। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है जो इससे रिलेटेड पूछा जाता रहा है कि एड्स के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। तो एक इंपॉर्टेंट वर्ड है ये आपने याद रखना है, एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट है वो एड्स के लिए किया जाता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉल्वेंट एसे, इसकी फुल फॉर्म होती है, और 1971 से ये टेस्ट किया जाने लगा है। तो एक्यूरेसी पता करने के लिए, कंफर्मेटरी पता करने के लिए कि कंफर्म केस है ये, तो उसके लिए एक टेस्ट किया जाता है, जिस टेस्ट को हम कहते हैं एलिसा टेस्ट। इंपॉर्टेंट है ये याद रखिएगा, एलिसा टेस्ट किस बीमारी के लिए किया जाता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो एड्स के लिए एलिसा टेस्ट होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉल्वेंट एसे। तो ये आपने याद रखना है, एड्स से रिलेटेड ये काफी रहेगा आप लोगों के लिए। पी से होता है पोलियो। तो पोलियो किस तंत्र को प्रभावित करती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले तो ये वायरस के कारण होने वाली बीमारी है पोलियो, आप याद रखिएगा, और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाली बीमारी है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाली बीमारी है। तो पोलियो वैक्सीन और पोलियो ड्रॉप की खोज किसने की, वैक्सीन और ड्रॉप, 2 चीजें हैं। पहले तो पोलियो का जो टीका लगाया जाता था और फिर ड्रॉप पिलाई जाने लगी। तो पहले टीके का आविष्कार हुआ था, तो जोनास साक एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था
जोनास साक, और इसी के नाम पे पोलियो के टीके को हम कहते हैं साक टीका। साक टीका, टीकाकरण का पिता मैं भी इनको कहा जाता है, फादर ऑफ वैक्सीनेशन भी इन्हीं साइंटिस्ट को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने पोलियो का जो वैक्सीन है वो प्रिपेयर किया था। तो जोनास साक को हम टीकाकरण का पिता मैं, फादर ऑफ वैक्सीनेशन कहते हैं। 1956 में इन्होंने पोलियो वैक्सीन की खोज करी थी, और उसके 5 साल बाद तो अल्बर्ट सेबिन एक साइंटिस्ट आए। अल्बर्ट सेबिन ने 5 साल बाद यानी 1961 में पोलियो ड्रॉप की खोज की। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहां से कि पोलियो ड्रॉप की खोज और पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की, जोनास साक 1956 और अल्बर्ट सेबिन 1961 में इन्होंने पोलियो ड्रॉप की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बीमारी है डेंगू से रिलेटेड भी पूछे जाते रहे हैं, तो डेंगू भी एक वायरस के कारण होने वाली बीमारी है, तो एडीज इजिप्टी मच्छर के कारण ये वायरस फैलता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए कि डेंगू का वायरस कौन सा मच्छर फैलाता है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो एडीज इजिप्टी उस मच्छर का नाम है। डेंगू में देखिए सबसे ज्यादा क्या चीज प्रभावित होती है, जो आपकी प्लेटलेट्स होती हैं, प्लेटलेट्स होते हैं हमारे ब्लड में। 3 कोशिकाएं पाई जाती है, 3 तरह की कणिकाएं पाई जाती हैं। एक होती है हमारी लाल रक्त कणिकाएं, एक होती है श्वेत रक्त कणिकाएं, और तीसरी होती है प्लेटलेट्स, आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स की नॉर्मल संख्या हमारे बॉडी में होनी चाहिए 1.5 लाख से लेके 4.5 लाख पर माइक्रोलीटर ब्लड में आपके 1.5 लाख से 4.5 लाख होने चाहिए। तो प्लेटलेट्स की संख्या में कमी आ जाती है, प्लेटलेट्स की संख्या में क्या हो जाता है, गिर जाती है प्लेटलेट्स बहुत ज्यादा संख्या में, तो इसलिए हमें डेंगू बहुत खतरनाक बीमारी मानी जाती है। देखिए प्लेटलेट्स अगर गिर जाएंगे तो ब्लड क्लोटिंग नहीं हो पाएगी, और एक्सेसिव ब्लीडिंग होने से, वॉमिटिंग होने से आदमी की डेथ तक भी हो सकती है। तो काफी खतरनाक बीमारी मानी जाती है, एडीज इजिप्टी मच्छर के कारण फैलती है। एम सी मेनिंजाइटिस एक बीमारी होती है, ये भी एक मेन बीमारी मानी जाती है, जिसे हम, इसका नॉर्मल नाम होता है दिमागी बुखार। देखिए मेनिंजिस वो आवरण है जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, हमारे दिमाग को सुरक्षित रखता है, और जब ये वायरस आता है तो उस आवरण में स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, और उसी के कारण सेरिब्रोस्पाइनल द्रव, जो मेनिंजिस के साथ ही होता है हमारे दिमाग को प्रोटेक्ट करने के लिए सेरिब्रोस्पाइनल द्रव, वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है, उसमें भी इन्फेक्शन आ जाता है। तो दिमागी बुखार, सर में बहुत तेज बुखार चढ़ता है, इसमें बहुत तेज बुखार आता है, तो इस बीमारी ये हमें मेनिंजाइटिस हो जाती है। नेक्स्ट जे से जो वर्ड बनेगा वो है जॉन्डिस यानी पीलिया। लीवर में बिलिरुबिन, देखिए पीलिया में सबसे ज्यादा अंग कौन सा प्रभावित होता है, तो वो अंग है आपका लीवर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो लीवर में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, बिलिरुबिन की नॉर्मल जो मात्रा होनी चाहिए वो है 0.3 mg से लेके 1.2 mg पर डेसीलीटर, बट अगर 1.2 mg डेसीलीटर से ज्यादा अगर बिलिरुबिन बढ़ जाता है तो पीलिया हमें हो जाता है, और रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है। तो पीलिया भी एक इम्पोर्टेंट बीमारी है जो वायरस के कारण होती है, जो पूछी जाती रही है हमें। सी से बनेगा हमारा चिकन पॉक्स यानी चेचक। तो चेचक के विषाणु का नाम बताओ, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो वेरिसेला, ये वायरस आपने याद रखना है कि वेरिसेला चेचक के विषाणु का नाम है। चेचक के विषाणु की खोज किसने की, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एडवर्ड जेनर वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने चेचक के विषाणु की खोज करी थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों की, इसके वायरस का नाम बताओ, वेरिसेला वायरस का नाम है, और एडवर्ड जेनर वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने चेचक के विषाणु की खोज करी थी। टी से बनेगा ट्रैकोमा, ये आंख की कोर्निया में होने वाली बीमारी। देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब नेत्रदान करते हैं तो आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है, तो कोर्निया, जो व्हाइट पार्ट आपको दिखता है फ्रंट में, तो कोर्निया को दान किया जाता है आई डोनेट जब हम करते हैं। तो कोर्निया में इन्फेक्शन हो जाता है, वायरल इन्फेक्शन के कारण होने वाली बीमारी है ट्रैकोमा। मील से बनेगा मीसल्स यानी खसरा, और खसरा किस वायरस के कारण होता है, तो खसरा मोरबेली वायरस के कारण होता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है रुबेला, तो रुबेला भी खसरे को कहा जाता है। जर्मनी में जब खसरा फैला
तो उसको रुबेला नाम दिया गया, तो जर्मन मिसल्स भी इसे कहा जाता है, जर्मन मिसल्स यानी वह खसरा जो जर्मनी में फैला तो उसे रुबेला का नाम दिया गया। तो इसके लिए एक वैक्सीन तैयार की जाती है जिसे हम कहते हैं MMRV वैक्सीन, MMRV वैक्सीन। ये किन बीमारियों के लिए लगती है ये एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है वो है MMRV वैक्सीन के बारे में कि MMRV वैक्सीन की खोज किसने की और किन बीमारियों के लिए ये टीका जो लगाया जाता है। तो M से बनता है वर्ड हमारा मीसल्स जिसे हम खसरा कहते हैं, नेक्स्ट M से बनेगा मम्प्स जिसे गल्सुआ कहते हैं, कनपेड कहते हैं लोकल भाषा में, R से बनेगा रुबेला जिसे जर्मन मीसल्स या जर्मन, ये भी खसरे की एक प्रकार है, और V से बनेगा वेरिसेला जो चिकन पॉक्स के लिए जो लगता है। तो इन बीमारियों के लिए MMRV जो वैक्सीन है वी ये लगाया जाता है, एग्जाम में पूछा जा चुका है पहले भी। तो खोज जिस साइंटिस्ट ने की थी उसका नाम था मॉरिस हिलमैन, 1971 में मॉरिस हिलमैन ने जो MMRV वैक्सीन की खोज कर ली थी। तो 1971 से आपने ये याद रखना है कि एलिसा टेस्ट जो HIV/AIDS के लिए टेस्ट किया जाता है उस टेस्ट की खोज भी 1971 में ही की गई थी, और एलिसा के फुल फॉर्म एग्जाम में एक बार पूछी जा चुकी है वो है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोलवेंट SAE LISA 1971 से जो स्टार्ट हुआ था। HIV/AIDS से रिलेटेड आपने एक दो चीज़ें और ध्यान रखनी है कि एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सुरामिन या AZT दवाइयाँ किस लिए यूज की जाती हैं। AZT स्टैंड फॉर एजिडोथाइमिडिन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है एजिडोथाइमिडिन। तो ये दवाइयाँ हैं जो सुरामिन है, एजिडोथाइमिडिन है, और इसके अलावा साइक्लोस्पोरिन एक मेडिसिन और पूछी जाती है। तो ये तीनों दवाइयाँ एड्स के लिए हम यूज़ करते हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए यूज़ की जाती हैं। अब HIV या एड्स वायरस विषाणु से रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि वो किस टाइप का वायरस है, वो एक रिट्रोवायरस है, ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है, रिट्रोवायरस है। और उसका जो HIV वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है, आनुवंशिक पदार्थ है, वो क्या है, ये NDA 2018 में पूछा गया क्वेश्चन था। ध्यान से सुनिए कि HIV जो वायरस है उसका आनुवंशिक पदार्थ जेनेटिक मटेरियल क्या है, तो वो होता है SSRNA यानी सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। देखिए ये एक्सेप्शन केस होता है, HIV एक एनिमल वायरस है, और HIV जो एनिमल वायरस है, जितने भी एनिमल वायरस हैं मोस्टली उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है हम मानते हैं कि DNA होता है, बट DNA नहीं है, इसका जो जेनेटिक मटेरियल मिलेगा वो मिलेगा आपको सिंगल स्टैंडर्ड RNA। और यही क्वेश्चन इसी चीज़ से रिलेटेड आनुवंशिक मटेरियल से, आनुवंशिक पदार्थ से रिलेटेड पूछा जाता है कि TMV जो टोबैको मोजेक वायरस है, जो तंबाकू में भी पाया जाता है, आलू की जो पत्ती मुड़ जाती है उसका कारण भी मोजेक वायरस ही होता है, या येलो मोजेक वायरस जो सोयाबीन में पाया जाता है, सोयाबीन की दालों में पाया जाता है, तो येलो मोजेक कहा जाता है उसे, तो इन सब का कारण वायरस होता है। तो टोबैको मोजेक वायरस का आनुवंशिक पदार्थ क्या है, ये भी एक्सेप्शन है। आपको पता है प्लांट वायरस का जो आनुवंशिक पदार्थ होता है RNA, ये आपने पढ़ रखा है, बट ये इसका एग्जाम्पल है, टोबैको मोजेक वायरस का आनुवंशिक पदार्थ आपको क्या मिलेगा, वो है डबल स्टैंडर्ड DNA। अब दो चीजें ध्यान रखनी है, HIV वायरस का आनुवंशिक पदार्थ है सिंगल स्टैंडर्ड RNA, और TMV वायरस का आनुवंशिक पदार्थ है डबल स्टैंडर्ड DNA। ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भाई पशुओं में होने वाली वो कौन सी बीमारियां हैं जो वायरस के कारण फैलती हैं, तो आपने ध्यान रखना है रानीखेत एक बीमारी होती है जो मुर्गियों में लगती है, बहुत कॉमन डिसीज है पोल्ट्री की, जो वायरस के कारण फैलती है रानीखेत कहते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज में, अमेरिका में, यूरोपियन कंट्रीज में, तो इसको न्यूकैसल डिसीज के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट आप याद रखेंगे, न्यूकैसल डिसीज या रानीखेत डिसीज मुर्गियों में किसके कारण होती है, वो एक वायरस के कारण होती है, पैरामिक्सो वायरस के कारण ये बीमारी फैलती है। इसके अलावा हमारे कॉमन जो जानवर होते हैं गाय और भैंस वगैरह में, उसकी चार मेन बीमारियां हैं जो आपने याद रखनी है वायरस के कारण हो सकती हैं, मुंह और खुर, फुट एंड माउथ डिसीज, ये बहुत कॉमन बीमारी होती है जो जानवरों में गाय भैंस में वायरस के कारण होती है, रिंडरपेस्ट एक बीमारी है, ब्लू टंग और रिफ्ट वैली, ये चार बीमारियां हैं जो गाय भैंस में कॉमन है जो वायरस की कमी से फैलती हैं, वायरस के कारण फैलती हैं। तो ये ह्यूमन और एनिमल डिसीज हमारी हो चुकी है। अब हम कुछ ऐसे टॉपिक्स की बात करते हैं जो हॉट टॉपिक्स होते हैं एग्जामिनर के लिए, पूछे जाते हैं बार बार, वहाँ से क्वेश्चन टिक
करने की कोशिश करता है एग्जामिनर, तो उनमें ही एक टॉपिक है हमारा बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू। एक होता है H5N1 और एक होता है H1N1, और इस चीज में अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है कि सर H1N1 कौन सा है और H5N1 कौन सा है। बहुत इजी है इसको याद रखना। देखिए, पैसे बनता है पांच और पैसे ही बनता है पंछी, पंछी यानी बर्ड। तो जिसमें फाइव है यानी पांच है तो वो है आपका बर्ड फ्लू, और जिसमें पांच नहीं है H1N1 है वो है आपका स्वाइन फ्लू। तो बर्ड फ्लू को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसे हम कहते हैं एवियन इन्फ्लुएंजा। एवियन इन्फ्लुएंजा किस बीमारी का नाम है तो वो है बर्ड फ्लू का। एवियरी वो स्थान होता है बच्चों जहाँ पे पक्षियों को रखा जाता है, जैसे एक्वेरियम में मछलियों को रखा जाता है, एवियरी में किसको रखा जाता है, पक्षियों को। तो एवियन ये वर्ड वहां से याद रखना है आपने। एवियन इन्फ्लुएंजा किसको कहा जाता है, बर्ड फ्लू को कहा जाता है। H5N1 साइंटिफिक नेम है इसके वायरस का। स्वाइन फ्लू का H1N1 है, ये पिग से फैला था। इबोला वायरस 2014-15 में अफ्रीका महाद्वीप में एक कंट्री है जिसका नाम है कांगो, और कांगो कंट्री में एक नदी है इबोला नदी, तो उस नदी के तट पे रहने वाले लोगों में इस बीमारी का फैलाव हुआ था, जो फैली थी चमगादड़ों से, फ्रूट्स बैट से। इसका सोर्स भी इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछ लिया गया है, कहीं एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो इबोला वायरस फैला था उसका सोर्स क्या था, तो फ्रूट्स बैट्स यानी चमगादड़ों से फैला था। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में कांगो कंट्री है, वहाँ इबोला नदी के तट पर फैला था, तो इसका नाम इबोला रखा गया था, और इससे लगभग 12,000 डेथ हुई थी 2014-15 में। जीका वायरस अगेन इम्पोर्टेंट है, जीका वायरस युगांडा, ये भी अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है, वहां के जंगल हैं जीका नाम से, तो वहां एडीज मच्छरों के कारण इस बीमारी का, इस वायरस का फैला हुआ था। इंपॉर्टेंट है, एडीज मच्छर के कारण जीका वायरस फैला था और युगांडा के जीका जंगलों से फैला था, इसलिए इसका नाम जीका रखा गया। निपा वायरस 2018 में केरल में फैला था और लगभग 20 डेथ इसकी हुई थी इस वायरस के कारण। और देखिए, ये हमारी मानवता को लेके हमारी जिम्मेदारी को शो करता है। जब जीका वायरस केरल में फैला था तो तुरंत इंडियन गवर्नमेंट ने WHO को इन्फॉर्म कर दिया था। यही हालात अगर चाइना वुहान में जब कोरोना वायरस फैला तो उसको बहुत इफेक्टिव तरीके से हम कंट्रोल कर सकते थे, और हो सकता है इतनी ज़्यादा कैजुअलिटीज, इतनी ज़्यादा डेथ ना होती जो आज के टाइम में इतना एक वाइड स्प्रेड इसका हो चुका है, इस डिसीज़ का। तो ये कहीं ना कहीं शो करता है कि इंडियन गवर्नमेंट या हम जो भारतीय हैं अपनी हेल्थ को लेके या दूसरों की हेल्थ को लेके खासकर कितना कॉन्शियस है। हर्पीस भी एक बीमारी होती है जो वायरस के कारण फैलती है, ऐसे ही इंसेफेलाइटिस भी एक बीमारी है जो वायरस के कारण फैलती है। इंसेफेलाइटिस की बात जब अगर करते हैं तो जैपनीज और वेस्ट नाइल इंसेफेलाइटिस, ये जो दो बीमारी है जो जापान में फैला था, जैपनीज इंसेफेलाइटिस, वेस्ट नाइल ये अमेरिका में फैला था, तो इन ये दो बीमारियां भी किसके कारण होती हैं, ये क्यूलेक्स मच्छर के कारण होती है, याद रखिएगा। क्यूलेक्स प्रजाति होती है मच्छरों की, तो क्यूलेक्स मच्छर के कारण ये दोनों बीमारियां हमें हो जाती हैं, क्यूलेक्स मच्छर। इसके बाद जो नेक्स्ट डिजीज है आपकी वो है इंसेफेलाइटिस। इंसेफेलाइटिस में दो नाम बहुत कॉमन है जो आपने सुने होंगे, एक जैपनीज इंसेफेलाइटिस है और एक वेस्ट नाइल इंसेफेलाइटिस है। जैपनीज जैसा नाम से ही संबंधित है, ये बीमारी जापान में फैली थी तो इसलिए जैपनीज इंसेफेलाइटिस का नाम दिया गया, और वेस्ट नाइल ये याद रखी गई, ये अमेरिका कॉन्टिनेंट में फैली थी तो इसलिए इसे वेस्ट नाइल, जो नाइल नदी है, नील नदी जिसे हम लोकल लैंग्वेज में कहते हैं, तो वहां से ये बीमारी फैली थी, तो इसलिए वेस्ट नाइल का नाम दिया गया है इसे। ये याद रखिएगा, ये जो बीमारी है ये क्यूलेक्स प्रजाति के जो मच्छर होते हैं उनके कारण फैलती है, तो क्यूलेक्स ये नाम याद रखना है आपने। क्यूलेक्स प्रजाति के जो मच्छर होते हैं उनके द्वारा ये बीमारी फैलाई जाती है, जैपनीज इंसेफेलाइटिस और वेस्ट नाइल इंसेफेलाइटिस। उसके बाद बात करते हैं हम हर्पीस की, ये भी एक बड़ी कॉमन बीमारी होती है। इसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है कि जैसे फीवर ब्लिस्टर्स के नाम से इसे जाना जाता है, जैसे जब बुखार आता है, बुखार के बाद मुंह पे या लिप्स के अराउंड साइड वाले हमारे जगह पे एक पानी भर जाता है फफोले पड़ के, जिनको ब्लिस्टर्स का नाम देते हैं हम, तो ये भी एक वायरस के कारण होने वाली बीमारी है। COVID-19 आजकल सब वाकिफ हैं जिसे, ये कोरोना वायरस का नाम, कोरोना
पूरा नाम है इसका कोरोना नाम इसलिए दिया गया, जब भी हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इसके विषाणु को देखते हैं तो सूरज की जो सबसे बाहरी भाग है, जब सूर्य ग्रहण पे होता है तो एक चमकीला छल्ला जो दिखाई देता है सबसे बाहरी भाग है, उसे कोरोना कहते हैं हम। तो उसके जब हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ये कुछ वैसा ही दिखाई पड़ता है, बीच वाला काला भाग होता है और जो आउटर लेयर होती है वो चमकती हुई इसकी दिखाई देती है, तो इसलिए कोरोना नाम इसे दिया गया है। कोरोना ID-19 यानी 2019 में ये फैला था, तो इसलिए इसका नाम है जो COVID-19 पड़ा था। चाइना के वुहान शहर से, चाइना वुहान सिटी से ये फैला, और इसका भी मेन कारण बैट्स यानी चमगादड़ और सांप स्नेक्स, इसका जो सोर्स कहाँ से ये बीमारी फैली है, तो ये बैट्स और स्नेक्स ये दो मेन सोर्स हैं जहाँ से इसका फैला हुआ। इसके अलावा आपको सुनने को मिलता है सार्स और मर्स करके, ये बहुत कॉमन वर्ड है जो कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, SARS की फुल फॉर्म क्या होगी और ये किस चीज़ से रिलेटेड डिसीज है, तो वायरस से रिलेटेड डिसीज है ये दोनों, ये ध्यान रखिएगा। फुल फॉर्म सार्स की है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, और मर्स की है मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। देखिए एक जिन बीमारी में सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है उन सबको सार्स कैटेगरी में रखा है, कोविड भी एक सार्स का ही टाइप है, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि कोविड किस टाइप की बीमारी है, तो SARS से रिलेटेड ऑप्शन में आपको टिक करना है। मिडल ईस्ट, देखिए मिडल ईस्ट कंट्रीज जो गल्फ कंट्रीज हैं हमारी, सऊदी अरब है, कुवैत है, इराक ईरान है, इनको मिडल ईस्ट कंट्रीज कहा जाता है। ये बीमारी इसका सोर्स एक पॉइंट मर्स के बारे में आपने ध्यान रखना है कि मिडल ईस्ट कंट्री में ऊंट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो किस बीमारी का जो फैलाव है वो ऊंटों से हुआ है, ये अगर पेपर में आपको देखने को मिले तो मर्स पे आपने टिक करना है MERS। कैमल के अलावा चमगादड़ भी इसका सोर्स माने जाते हैं और कई सारे पशु भी इसका सोर्स माने जाते हैं, बट ऊंट पे आपने टिक करना है मर्स के अगर केस की अगर बात करते हैं। तो ये आपका कॉमन डिसीज थी, उनकी टाइप थी जो वायरस से रिलेटेड होती हैं हमारी, चाहे एनिमल्स में हो चाहे ह्यूमंस में हो, और उससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी की कौन कौन से टर्म यूज करता है एग्जामिनर, कितने टाइप हैं वायरस के, उनसे रिलेटेड बात करते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की, कि वायरस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। वायरस की अगर स्ट्रक्चर की बात करें, एग्जामिनर पूछे कि स्ट्रक्चर कैसा है, तो पॉलीहेक्सागन स्ट्रक्चर होता है वायरस का, ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है। अगर मेन पार्ट्स की बात करें तो देखिए दो मेन पार्ट्स होते हैं वैसे तो, एक बाहरी आवरण होता है जो प्रोटीन का बना होता है जिसे हम कैप्सिड का नाम देते हैं, और अंदर उसके एक न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक प्रोटीन होता है जो उसके नाभिक में होता है। बट फिर भी हम इसको अगर बॉडी पार्ट्स की अगर बात करें एक वायरस की, तो इसका हेड होता है, एक यहां पे कॉलर होता है इसका, जो ये कॉलर होता है, कॉलर के साथ इसकी जो नेक टाइप में जो स्ट्रक्चर होती है उसे हम नाम देते हैं शीत का, या उसे नेक भी कह सकते हो आप। और नेक के पास जैसे फिर मकड़ी के पैर होते हैं, ऐसे ही इसके टेल फाइबर्स होते हैं, ये है उसके टेल फाइबर। तो ये एक स्ट्रक्चर होती है एक वायरस की, अगर चार पार्ट्स में डिवाइड होता है, हेड, कॉलर, शेथ या नेक या टेल फाइबर। हेड में इसके जो अंदर जो होता है वो होता है इसका न्यूक्लिक एसिड, वो होगा आरएनए मोस्टली या डीएनए, आरएनए होगा या डीएनए होगा। तो इसी को लेके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, कि जो HIV वायरस होता है, HIV सबको पता है एक एनिमल वायरस है, तो इसका जो अनुवांशिक पदार्थ है, अनुवांशिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल, वो किस चीज़ से बना होता है, ये NDA 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। तो HIV का जो जेनेटिक मटेरियल है वो बना होता है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA का बना, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA का बना होता है। देखिए एक्सेप्शन है ये चीज़, सारे एनिमल, मोस्टली एनिमल वायरस जो होते हैं वो DNA होता है उनमें, बट ये इसका एक्सेप्शन है, इसमें सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है HIV एनिमल वायरस होते हुए, जबकि RNA ज़्यादातर प्लांट वायरस में पाया जाता है। ऐसा ही एक एक्सेप्शन है TMV से रिलेटेड, जो पहला वायरस खोजा गया था, टोबैको मोज़ेक वायरस। आप सबको पता है कि मैंने बताया इस वीडियो में अभी,
कि जितने भी प्लांट वायरस होते हैं उनका जेनेटिक मटेरियल यानी आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, वो बना होता है आरएनए का। बट टोबैको मोज़ेक वायरस एक प्लांट वायरस होते हुए भी इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए से बना होता है। तो इससे रिलेटेड ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में और इन सब चीज़ों के बारे में। तो साथियों, ये था हमारा वायरस से रिलेटेड लेक्चर, और आज ऑनलाइन आने के पीछे एक मकसद था हमारा ये वीडियो स्टार्ट करने के लिए। देखिए, ऑनलाइन आपको बहुत सारे टीचर्स के लेक्चर मिल जाएंगे, और सबसे मेन प्रॉब्लम जो ऑनलाइन आने में बच्चे फेस करते हैं वो ये होती है कि कोई भी एक लेक्चर बच्चे के रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाता है किसी भी कंसेप्ट से रिलेटेड। सपोज करो, जैसा कि हमने आज विषाणु या वायरस के बारे में पढ़ा, इससे रिलेटेड कंसेप्ट क्लियर करने के लिए 2 या 3 लेक्चर हमें कम से कम ऑनलाइन वीडियो देखने पड़ते, जिसमें बहुत सारा समय हमारा खराब हो जाता। तो आरके कैंपस की एक ये शुरू से ही स्ट्रेटजी रही है ऑनलाइन आने के पीछे कि हम जो भी वीडियो बनाएंगे, जो भी लेक्चर बनाएंगे, ऑनलाइन वीडियो जो आपको देंगे, हम उस एक सिंगल लेक्चर में कंप्लीट कोशिश करेंगे कि आपको उससे रिलेटेड जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं या आने के चांसेस होते हैं वो एक सिंगल वीडियो में आपको देखने को मिले, कोई किसी दूसरे वीडियो के लिए आपको उस टॉपिक के लिए ना जाना पड़े। अब देखिए, सबसे मेन जो यही रीजन था हमारा कि एक लेक्चर आपका उस टॉपिक से रिलेटेड सभी कंसेप्ट, सभी डाउट दूर कर दे, आपको ज्यादा परेशानी ना झेलनी पड़े। दूसरी चीज की अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, तो वन लाइनर क्वेश्चन हर वीडियो के एंड में आपको अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि हमारा और आपका पर्पस जो लर्निंग है तभी पॉसिबल हो पाएगा। भाई, कंसेप्ट आपने एक वीडियो में चेक कर लिए हैं अपने, जो भी है उस चीज़ से रिलेटेड है वो कंसेप्ट मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अब बारी है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की। तो इस वीडियो के एंड पे आपको 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं अभी, ये जानने के लिए कि आप कितना सीख पाए हैं। तो इन सभी 25 क्वेश्चंस जो आपको विषाणु से या वायरस से रिलेटेड रहेंगे इस वीडियो के एंड पे आपको स्क्रीन पे मिल जाएंगे और उसके आंसर भी आपको मिल जाएंगे। बट आपने ट्राई ये करना है कि ऑनेस्टली आंसर नहीं देखने हैं जब तक आप उनको नोट डाउन ना कर लो, राइट डाउन करके ऑनेस्टली आंसर देने की कोशिश। तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ, स्टे एट होम।